नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये एक्सरसाइज 7.1 है और मैंने ये अलग से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें भी बच्चों ये रहा थर्ड पार्ट, यहां पर हमें फोर्थ पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है। और फोर्थ पार्ट में हम बच्चों 600, ये मैं देख लेता हूँ एक मिनट, 675, जी हाँ, ये हमें जो निकालना है वो निकालना है 675, ठीक है बच्चों। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने होंगे और हमें फाइंड आउट करना होगा कि इस नंबर को किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट दिस नंबर मस्ट बी क्यूब, ठीक है बच्चों, मस्ट बी क्यूब। अब हमें ये देखना है कि इस 675 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आइए हम इसके सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों, फैक्टर निकाल लेते हैं। अब ये लास्ट में 5 आया है तो आप सीधा 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 3 से हो जाएगा। 3 से वो नंबर होते हैं जिसका सम 3 के टेबल में आता हो। आइए देखते हैं सम कितना आता है, 7 प्लस 5 या 5 प्लस 7 12 और 12 प्लस 6 18, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम इसको कर लेते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6 1 बच गया, 5 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों। ये आप फिर 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21 1 और 5 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों। आइए फिर 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों, और 1 और 5 3 5 जा 15। आइए फिर अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। ये हमने निकाल लिया और हम क्लियरली देख रहे हैं कि 3 का तो ग्रुप बन गया, 5 का नहीं बनना। तो अगर एक 5 और आ जाए तो ये परफेक्ट यानी इसका ग्रुप बन जाए। इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। अगर इस 5 को 6 यानी 675 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आइए मैं इसको लिख लेता हूँ, राइटिंग 675 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी हैव, ठीक है बच्चों, जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बच्चों, और इंटू 5 इंटू 5। आप 3 का तो ट्रिपल्स का ये ग्रुप बन गया, इसका नहीं बना। और इसमें लिखा मल्टीप्लाई किया जाए, तो अगर हम मल्टीप्लाई 5 कर दें तो ये भी क्या बन जाता है, परफेक्ट ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वो नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो नंबर है 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं क्लियरली, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब ठीक है, यहां पर 8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है बच्चों। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से किया जाए। तो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।